अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पेपर्स, जैसे कि आप जब सब जानते हैं कि आजकल आपके पेपर्स आने वाले हैं, तो पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डेटशीट बताऊंगी कि फर्स्ट ईयर के जो FSC के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स, उनकी डेटशीट क्या है और मतलब उनके पेपर्स जो हैं वो किन किन डेज में होंगे। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ गया मॉर्निंग सेशन में आपका 8 मई वेडनेसडे वाले दिन आपका इंग्लिश का मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेक्शन के अंदर इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है। 8 मई को आपका फर्स्ट पेपर है। उसके अलावा 11 मई को सैटरडे वाले दिन उर्दू कंपलसरी का मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशंस में पेपर है, जिनका ग्रुप 1 बनेगा, ग्रुप 2 बनेगा। उन दोनों ग्रुप्स के अंदर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में आपका उर्दू का पेपर है 11 मई को। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ गया 13 मई। 13 मई को मंडे वाले दिन आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ग्रुप्स में केमिस्ट्री का पेपर आ जाएगा आपका। इसी तरह 15 मई को फिजिक्स का पेपर आपका आ जाएगा, मंडे और वेडनेसडे। यहाँ पे आपकी छुट्टियों भी मिल रही हैं, मतलब ट्यूसडे आपकी छुट्टी, उसके बाद ऑफ होगा और वेडनेसडे को आपका पेपर होगा। 15 मई को फिजिक्स का फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रुप्स के अंदर मॉर्निंग सेशन और इवनिंग। उसके अलावा हमारे पास 17 मई को फ्राइडे वाले दिन तजमातुल कुरान का पेपर होगा, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशंस में तजमातुल कुरान का आपका पेपर होगा। इसी तरह हमारे पास जो 20 मई है, 20 मई में जिनका बायो सब्जेक्ट है उनका बायो का पेपर होगा मॉर्निंग सेशन में, और जिनका मैथ का सब्जेक्ट है उनका मैथ का पेपर होगा इवनिंग सेशन के अंदर। सो इसी तरह 22 मई को वेडनेसडे वाले दिन जिन बच्चों का कंप्यूटर साइंस है, मींस के FSC में जिन्होंने कंप्यूटर का सब्जेक्ट रखा हुआ है, उनका कंप्यूटर का पेपर होगा 22 मई को वेडनेसडे वाले दिन। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी डेटशीट, FSC के स्टूडेंट्स की ये डेटशीट थी। तो उम्मीद है कि आप पेपर्स की अच्छे से तैयारी करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे आपको काफ़ी पेपर्स के दरमियान गैप भी मिल रहा है, तो उन पेपर्स के जो कि आपको मुश्किल लगते हैं या जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, इसी तरह आप उनकी प्लानिंग भी कर सकते हैं कि उनकी प्लानिंग अभी से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं, चैप्टर्स रोज के हो गए, एक दो हो गया, दो हो गए, इतने चैप्टर अगर आप उसके प्लानिंग के साथ डिसाइड कर लें, तो इस तरह आपको बर्डन भी नहीं लगेगा इनकी तैयारी करना, और उसके अलावा आपके साथ साथ तैयारी भी होती जाएगी। सो बेस्ट तरीका है कि आप इन तमाम मत सब्जेक्ट्स को पहले देखें कि आपकी किसमें अच्छी तैयारी है और किसमें अच्छी तैयारी नहीं है। जिन सब्जेक्ट में आपकी तैयारी नहीं है उनकी तैयारी जो है वो अभी से आप स्टार्ट कर दें और उनकी पूरी प्लानिंग के साथ करें। ऐसा ना हो कि आप एक ही दिन में सात सात सब्जेक्ट लेके बैठे हैं कि मैं पहले कौन सा याद करूं, तो इस तरह आप इसी कंफ्यूजन में रहेंगे। आप पूरी प्लानिंग के साथ ये कर लें कि दो दिन एक सब्जेक्ट कर लें, या एक दिन एक सब्जेक्ट हो गया उसके इतने चैप्टर्स हो गया, नेक्स्ट डे जो है वो दूसरा सब्जेक्ट हो गया उसके इतने चैप्टर्स हो गए। इस तरह जो है आपके पेपर्स का बर्डन भी कम होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी होती जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपके इस पेपर की अच्छे से तैयारी है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। उम्मीद है कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे होंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।